नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। अजिंक्य रहाणे जो अभी तक ऐसे कप्तान हैं टीम इंडिया के जो अजय हैं, जिन्हें कोई हरा नहीं पाया है और उन्होंने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में साबित कर दिया है कि उनके अंदर कप्तानी के गुर कुछ अलग ही लेवल के हैं और वो एक प्रॉपर कप्तान बनने के लायक हैं। खैर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस जीत के बाद जो कहा है वो बड़े मायने हैं उसके, कई मायनों में वो बहुत ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि ये जीत बहुत मायने रखती है, मैं इस जीत को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, मुझे सच में अपनी टीम के हर खिलाड़ी पर गर्व है। हम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते थे, परिणाम के बारे में हम नहीं सोच रहे थे। आगे कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने गया था तो मेरे और चेतेश्वर पुजारा के बीच यही बात हो रही थी कि पुजारा को सामान्य बल्लेबाजी करनी है और मुझे अपने शॉट्स खेलने हैं, क्योंकि हम जानते थे कि आगे पंत और मयंक हैं। पुजारा को श्रेय देना होगा, उन्होंने जिस तरह से दबाव का सामना किया वो शानदार है। अंत में ऋषभ और वॉशिंगटन सुंदर ने भी बेहतरीन काम किया। See, first of all, I think it's an honor to lead your country, and it was not about me, it was all about team, and that's what we decided. I think I look good because everyone contributed, so I don't give importance to myself. It was all about team, everyone contributed. For us, it was all about having that character on the field and having that fighting spirit on the field. That's what I always believe in. Your attitude is really important, your work ethics are really important, and I think I would like to thank our support staff here who backed me a lot, who supported me a lot during these tough times, and they supported each and every individual here. So I'm really happy for all of us as a team and for all the support staff. Washington and Natarajan's debut hota, Shardul ji second match hoti, Siraj ani Saini ji dusri ani tisri match hoti. So ja prakare tanni dakhavla ground var karun ki aplya deshasathi aplyala match jinkvayche, ani tyasathi जरूरी नहीं है कि तुम्हाला तुम्ही 50-60 टेस्ट मॅचेस और 100 टेस्ट मॅचेस खेळले पाहिजे। जरी तुम्ही 1-2 टेस्ट मॅच खेळले असाल, तुमची ती जिद्द असेल ग्राउंडवर, तर तुम्ही काहीही करू शकता। तर मी त्यांच्यासाठी नक्कीच खूप खूप खुश आहे। पुजारा ज्या प्रकारे खेळला, 55 ऑड रन्स त्यांनी केले, बट ज्या प्रकारे त्यांनी दाखवलं खेळून, बऱ्याच वेळा स्ट्रगल करत होता, बाउन्सर्स त्याला लागले त्याच्या बॉडीवर, हेल्मेटवर, बट त्यांनी त्याला काही फरक नाही पडला। त्याचा एकच हे होता की मला विकेटवर उभं राहायचंय, आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं रिषभ पंतसाठी गेम फार इझी झाला। रिषभ फ्रीली खेळू शकला, फ्रीडमनी खेळू शकला, आणि त्यानंतर परत पुजारा आउट झाल्यानंतर वॉशिंग्टननी ज्या प्रकारे बॅटिंग केली, ज्या इंटेंटनी बॅटिंग केली, मला वाटतं क्रेडिट सर्वांना जातं, आणि एस्पेशली पुजारा आणि पंत ज्या प्रकारे त्यांनी मध्ये हँडल केली। यानी कि जीत का श्रेय जो है वो इस तरीके से उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज और साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा को दिया। 20 विकेट लेना अहम था ये भी कहा, इसलिए हम 5 गेंदबाजों के साथ उतरे थे। वॉशिंगटन सुंदर टीम में संतुलन लेकर आए। सिराज ने 2 टेस्ट मैच खेले थे, सैनी ने 1 मैच खेला था, ठाकुर ने भी 1 मैच खेला था, नटराजन ने भी डेब्यू किया था। ऐसी टीम के साथ मैच और जीतना, सीरीज जीतना कितना अहम है ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं यार रहाणे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% हम सहमत हैं उनकी बात से कि ऐसी टीम के साथ ऐसी ऐतिहासिक सीरीज जीतना, ये वाकई में इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में ये सीरीज जीत लिखी जाएगी और सदियों सदियों तक इसकी दुहाई दी जाएगी। और ये कहा जाएगा कि उस टीम इंडिया से सीखिए जो चोट से, दर्द से कराह रही थी, लगातार उसके खिलाड़ी चोटिल होते चले जा रहे थे, वो टीम बची ही नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 टीम कहलाती थी। टीम इंडिया वो बची ही नहीं थी, ना कोहली थे, ना अश्विन थे आखिरी मैच में, ना जडेजा थे, ना ही बुमराह थे, ना ही ईशांत शर्मा थे, ये तमाम खिलाड़ी थे ही नहीं। उसके बावजूद टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, इसीलिए ये बहुत ऐतिहासिक है। कैसी लगी रहाणे की बात बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।